इमामगंज थाना क्षेत्र के डुमरिया मोड़ से गुरुवार की देर रात अज्ञात हथियारबंद लुटेरों ने हथियार के बल पर दो ट्रक के चालक और खलासी का अपहरण करते हुए ट्रक को गायब कर दिया। लुटेरों ने चालक और खलासी को झारखंड के जंगल में ले जाकर छोड़ा। किसी तरह ट्रक चालक एवं खलासी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटने के बाद इमामगंज थाना पहुंचकर स्थानीय थाना अध्यक्ष से आप बीती सुनाई। ट्रक लुटेरों के चंगुल से मुक्त हुए ट्रक चालक औरंगाबाद जिले के नवीनगर के रहने वाले अनिल कुमार एमगू थाना क्षेत्र के चमलपुरा गांव के रहने वाले संतोष कुमार ने कैमरे के सामने कहा कि गुरुवार की देर रात हम लोग दो ट्रक को धान लोड करने के लिए इमामगंज आए थे, लेकिन शाम हो जाने के कारण ट्रक पर धान लोड नहीं हो सका, तो हम लोगों ने खाना पीना खाकर ट्रक पर ही सो गए। उसके बाद लगभग 12 बजे रात में किसी ने हम लोगों के ट्रक के गेट पर ठकठकाते हुए गालियां देते हुए कहा कि गेट खोलो, हम थाना प्रभारी बोल रहे हैं। जैसे ही हम लोग पुलिस का नाम सुने तो गेट खोल दिया। उसके बाद लुटेरों ने हथियार दिखाते हुए जबरन ट्रक से उतारते हुए स्कॉर्पियो पर बैठा दिया। स्कॉर्पियो पर 5 की संख्या में बदमाश मौजूद थे। जब हम लोगों को स्कॉर्पियो पर उन सबों ने बैठाया तो उनमें से 2 लोग नीचे उतर गए। इधर हम लोगों को जब एक सुनसान जगह में बदमाशों ने मार पीट कर मुक्त किया तो हम लोग कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक गांव में पहुंचे, जहां से पूछताछ करते हुए इमामगंज थाना पहुंचकर पुलिस को सारी घटना की जानकारी दी। स्थानीय पुलिस इनकी बात सुनकर घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों को सूचना दिया। सूचना मिलते ही SSP राजीव कुमार मिश्रा इमामगंज थाना पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए चालक और खलासी से पूछताछ कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर SSP राजीव मिश्रा, इमामगंज DSP अजीत कुमार, थाना अध्यक्ष पंकज कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी पहुंचकर छानबीन किए। घटना हुआ कैसे, क्या हुआ, पूरा घटना बताइए कैसे क्या हुआ। हमारी वो एक से डेढ़ के बीच में मतलब वो लोग आया था रात में, उसी के बीच में गेट ठुकठुकाया था, बोला हम थाना प्रभारी का गेट खोलो, खोल दिए गेट को। उसके बाद वो लोग अपना जैसे जो प्रक्रिया होता है वो अपना चालू कर दिया। उसके बाद उतार के नीचे ले गया गाड़िया में, आगे मेरा गाड़ी खड़ा था, उसको भी उतारा, उसको भी ले गया।